30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, टू व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 03192233822। इसको जो है रिपेयर करने के लिए कोई स्पेशल फंड ये बजट के जरिए से नहीं दिया। अंडमान निकोबार का नौजवानों को नौकरी देने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। कोई इंडस्ट्री अंडमान निकोबार में लेके आने के बारे में कोई प्रोविजन ये बजट में नहीं है। ये बजट में एकदम 100% जो है इंजस्टिस हुआ है अंडमान निकोबार का लोगों के साथ। हमारा MP नया चुना गया MP बताए थे इलेक्शन बजट का पहले, बजट जाने दो, DRM वालों का सर्विस रोल रेस हो जाएगा, अभी बजट चलेगी, अब फंड नहीं है, बजट आने दो, फंड आने दो, रेगुलराइज हो जाएगा सबको। वो इलेक्शन के पहले भी संघ परिवार का लोग DRM वर्केश के सामने जाकर के उनका बीच में जाकर यही प्रचार किया, यही झूठा वादा दिया था, अगर विष्णु बाबू इधर में जीत के आएंगे यहाँ सारा रेल रेटेड मजदूरों को जो है रेगुलराइज किया जाएगा। उन्होंने उसका इलेक्शन जीतने के बाद में भी बोला फंड आने दीजिए, बजट आने, लेकिन बजट आ गया, फंड आ गया। पिछले साल जितना बजट है फंड है उतना ही पैसा अभी भी। वो खुद बोल रहा था कि पिछले साल का जो बजट है पूरा तंगा देने का ही पैसा है, तो उसका मतलब अभी भी जितना पैसा बजट एस्टिमेट में जो रखा है, एनुअल बजट में रखा है, वो तंगा देने का ही पैसा है। यहाँ डेवलपमेंट के लिए अंडमान निकोबार का डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं रखा। यहाँ का नौजवानों को नौकरी देने के लिए BJP सरकार ने ये बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। यहाँ का DRM वर्कर को रेगुलराइज करने के लिए BJP सरकार ये बजट का जरिया से कुछ नहीं किया। खाली झूठा वादा दे करके इलेक्शन के टाइम में वोट लेने के लिए BJP जो उनका चाल है पिछले कई सालों से, अब की बार भी वो वर्कआउट हुआ है। लेकिन लोग देखता है, लोग देखते रहते हैं इनका चालबाजी। ये इलेक्शन के टाइम में एक बात बोलेंगे लेकिन करेगा दूसरा। प्राइम मिनिस्टर के बोला इलेक्शन का पहले जो हम करेंगे ये काम, लेकिन बम्बुलाट का ब्रिज अभी भी जो है अब हुआ ही नहीं, ये सर्वे भी ठीक से नहीं हुआ। तो इस तरह झूठ का वादा देख करके जो अंडमान का लोगों को बुद्धू बनाने के लिए जो BJP सरकार और यहाँ का MP जो कोशिश कर रहे हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसका खुलासा करेगा। आपको जानता होगा वोट कितना भी मिलो, वोट कम मिलने से भी अंडमान निकोबार का, ग्रेट निकोबार का, इंदिरा पॉइंट से लेकर के दिकलीपुर का बीच नेहरा आइलैंड तक लाल झंडा का लोग है। लाल झंडा का लोग ये सरकार के जन विरोधी नीति का खिलाफ करेंगे, ये सरकार के जन विरोधी नीतियों को खुलासा करने के लिए हम आगे रहेंगे। दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं आने से भी CPM उसके लिए आगे रहेगा। आने वाला दिनों में भी CPM डिगलीपुर से लेकर के सारा जगह जो है इसका जो है बजट के खिलाफ में जो है हम खुलासा करेंगे, लोगों को बताएंगे ये बजट अदानी अंबानी बिरला लोगों के लिए बजट है, ये बजट अंडमान निकोबार का आम जनता के लिए नहीं है। ये इतना ही बोल करके मैं समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, गैर कानूनी बजट मुर्दाबाद, जनविरोधी बजट मुर्दाबाद, जनविरोधी बजट मुर्दाबाद, कॉर्पोरेट का बजट मुर्दाबाद, कॉर्पोरेटों का बजट मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ना इंसाफ बजट मुर्दाबाद, ना इंसाफ बजट दूर हटो, ना इंसाफ बजट को वापस लो,
जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, बजट का विरोधी दिवस जिंदाबाद, बजट का विरोध दिवस जिंदाबाद। मैं आपको पता करने के लिए पहले हमको सरकार में जाना पड़ेगा कि सरकार क्या चीज, सरकार कैसे बनता है। हमारा देश आजाद होने के बाद, हमारा देश को चलाने के लिए जब अंग्रेजों से हमने सत्ता छीना, लड़के छीना, कुर्बानियां दी, बहुत जन अपने कुर्बानियां देने के बाद जब हमने सत्ता को हासिल किया तो हमने ये सोचा यहाँ पे डेमोक्रेसी होगा। ये डेमोक्रेसी में जनता अपना नुमाइंदा चुनकर अपना देश को कैसे चलाएगा, क्योंकि देश बहुत गरीब था तो गरीब लोगों को, लेकिन हमसे जो जीएसटी लेता है हजारों करोड़ों रुपया हमसे जीएसटी जाता है सरकार को, हर एक महीना में कम से कम 1.5 लाख करोड़, एक एवरेज रखिए 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को जाता है। जो हम टैक्स भरते हैं वो आम जनता से लेके छोटा सा आदमी से लेके बड़ा आदमी तक, लेकिन जीएसटी को ऐसा एक टैक्स का सिस्टम बना दिया कि जीएसटी भरता, अभी अभी जो वोक्स फंड का रिपोर्ट आया आपने देखा कि ये जो 64% जीएसटी जो है 50% आदमी भरता है, और 1% आदमी के हाथ में, जो 1% धनवान लोग हैं उनका हाथ में ये जो हमारा इंडिया का, हमारा भारतवर्ष का 40% संपत्ति 1% आदमी का हाथ में। तो इनके सरकार का नीति ऐसा है कि धनवान को धनवान बनाते जाओ और कमजोर तबका के लोगों को कमजोर करते जाओ, हम उनका गुलामी करते रहे जिंदगी भर। ये हिसाब से बजट में ये जो प्रावधान है एक रूल बनाने का, ये सबसे, ये बीजेपी का पहले भी ऐसे ही होता था कि लेकिन छुपा छुपा था, वो मतलब कंसील्ड था, आपको जल्दी समझ में नहीं आता था किस तरह जाता है। कांग्रेस सरकार में भी यही होता था, लेकिन अब की बार खुल्लम खुल्ला लूट, बेशरम बजट आप उसको बोल सकते, वल्गर, एकदम वल्गर बजट इसको आप बोल सकता है, क्योंकि इतना बेशरम बजट आज तक हमने देखा नहीं। ये जो धनवान लोग हैं अपना कुछ चाल चला के, आप किसान को देखिए, किसान का उपज है, धान है, गेहूं है, ये सब जो है किसान का, ये प्रोडक्ट के ऊपर में आप दाम लगा सकता है? किसान कभी दाम लगाता मेरा चावल का इतना रुपया या मेरा गेहूं का इतना रुपया? लेकिन कोई भी आगा एक गाड़ी लेने जाइए, एक साइकिल लेने जाइए, कोई भी प्रोडक्ट है, साबुन से लेके सुई से लेके हर चीज में दुकान में फिक्स है रेट, किसान को खाली नहीं है, हर एक चीज का फिक्स रेट है। वो कौन बनाता है? वो फैक्ट्री में बनता है, वो धनवान बनाता है, तो उसमें रेट फिक्स है। लेकिन आपका जो सामान है, जो किसान का है, मजदूर का है, उसमें कोई रेट फिक्स नहीं, उसमें कोई ये नहीं है। तो ये सरकार क्या करता है, दिनों दिन हर एक सामान के ऊपर में टैक्स बढ़ाता है। आपकी जो बजट है, एक कितना बजट का है, 48 लाख करोड़ का बजट है आपकी, लेकिन 48 लाख करोड़ का बजट में आम जनता को क्या दिया? आप निर्मला सीतारामन जी का बजट भाषण आपने सुना, उसमें क्या मिला आपको? आम जनता को क्या मिला? कोई चीज का ये नहीं है। खाली आपका दो स्टेट का नाम बताया, उसको इतना हजार, उसको इतना हजार, 15,000-25,000 जो भी है उनको दे दिया, और क्या दिया है? और सरकार इतना चलाक है, ये इतना बेशरम है कि गरीब जनता के ऊपर में उसको कोई मतलब नहीं है, खाली उसको धर्म का नाम में फुसलाते रहो, मंदिर का नाम में फुसलाते रहो, यही सब काम है उनका। अभी हमने 2015 में सरकार ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि अब आप गोल्ड लेने से, अब सोना लेने से, सोना का दाम जो है बढ़ते जाता है, इसलिए आपको फिर उसमें टैक्स देना पड़ता है, मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है, हमें बॉन्ड निकालता है सोना का बदले में गोल्ड बॉन्ड। आप गोल्ड बॉन्ड खरीदिए और ये 8 साल के लिए होगा, 8 साल के लिए बॉन्ड खरीदिए, वो बॉन्ड जब 8 साल बाद में मैच्योर होगा आपको 2.75% 2.75% आपको ब्याज दिया जाएगा, प्लस उस दिन जो सोना का जो दाम रहेगा वो भी आपको मैच्योर होने के बाद में दे देगा। जनता बहुत खुश हुआ, हाँ भाई ठीक है, तो दाम तो साल साल बढ़ते जाता है, तो हम बॉन्ड क्यों लें, हम सोना क्यों लें, हम जाके ये बॉन्ड खरीदेंगे, 8 साल बाद में हमको 2.75% ब्याज भी मिलेगा, ऊपर से उस दिन जो सोना का दाम है वो भी मिलेगा। सरकार ने क्या किया, अभी 2024 में 8 साल का मैच्योरिटी आया, ये बजट में उसने, सरकार ने क्या किया, ये बजट में सोना का जो इम्पोर्ट ड्यूटी है 15% कम कर दिया, 15% ये जो ड्यूटी जो है कम करने का वजह से सोना का दाम नीचे आ गया।
अब जो आप जो पैसा दिया ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका नहीं था। अभी आप फोन लेके देगा तो जो आप दिया वाला पैसा भी मिलेगा नहीं मिलेगा ठिकाने, क्योंकि अभी सोना का दाम कम हो गया। इसी तरह सब जब अभी अभी नया नया नौजवान जो है वो लोग देखा है कि बैंक में कुछ कुछ पैसा रखने से भी कैसे भी वो लोग नौकरी करता है, कहीं कुछ करता है, कुछ नौकरी कुछ भी करके थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता है, तो देखा बैंक में रखने से कुछ नहीं होता। ये सरकार प्रोत्साहन दिया, आप लोग म्यूचुअल बॉन्ड कर दो, शेयर में डाल लो, शेयर में इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में जाओ, सब पूरा पूरा प्रचार आपने देखा। ये इलेक्शन का जस्ट पहले भी प्रधानमंत्री और अमित शाह ने पूरा प्रोत्साहन दिया आदमी लोगों को, जिसमें 30 लाख करोड़ रुपया डूब गया जनता का। ये करने के बाद में ये जो जवान जो है जितना है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने लग गया। शेयर मार्केट में जैसे इन्वेस्ट किया आपके बजट में क्या कर दिया, शेयर मार्केट का जो पैसा मिलता है उसका भी टैक्स को बढ़ा दिया। जो मतलब तुम कैसा भी करो पैसा कमाओ उसमें टैक्स दो, पैसा को खर्चा करो उसमें टैक्स दो, जीएसटी दो, फिर पैसा को बचा कर रखो किसी काम के लिए वो मैच्योरिटी में जाओ तब उसको टैक्स दो। मतलब नुकसान होएगा अगर कोई आप स्टार्टअप खोलो, कुछ कंपनी खोलो, कुछ भी करो, ये टैक्स देते 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 आदमी का कमर तोड़ देगा, लेकिन नुकसान हुआ तो नुकसान तुम्हारा, फायदा हुआ तो फायदा मेरा, सरकार का काम है। ये मतलब आदमी को धोखा देने का सरकार, ये धोखा ही देता है। इस तरह का सरकार है कि ये नीति पहले जो है एक व्यक्ति एक साहूकार नहीं तो एक पूंजीवादी जो लोग है ये लोग आदमी को धोखा देता था, आज सरकार धोखा देने लग गया जनता को। जनता कहां जाए बताइए, निचले तबका के ये लोग आम जनता कहां जाए, आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में। जब तक आप इसको ऊपर में नहीं सोचेगा ये जन विरोधी नीति नहीं जाएगा। हम लोग जो लाल झंडा का लोग है, सीपीएम पार्टी का लोग है, एक होने दे एक जन, यही चौराहे पे खड़ा होकर मोदी का तरह नहीं है, कोई भी चौराहा में 50 दिन बाद में हमको बुलाओ हम आ जाएगा। चौराहा हजारों लाखों करोड़ चौराहा है हमारा इंडिया में, आज तक प्रधानमंत्री नहीं निकला कोई चौराहा, लेकिन हम लोग हर एक चौराहा में गांधी का चौराहा हो कोई भी चौराहा हो एक आदमी तो एक आदमी खड़ा होकर यह बजट का विरोध करेगा, सरकार का गलत नीति के ऊपर में हम लोग विरोध करेगा और हम आखिरी सांस तक लड़ेगा, आम जनता के लिए लड़ेगा, गरीब तबका के जनता के लिए लड़ेगा। हम आपको ये वादा देते हैं कि कहीं भी हो हम ये विरोध करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। इनकलाब जिंदाबाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।